नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जहां पर दोस्तों देश में हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हुए IOCL के द्वारा एक काफ़ी बड़ा हाइड्रोजन प्लांट सामने रखा गया है, और इसके चलते वो उनकी हर एक रिफाइनरी पर बड़े स्केल के हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करेंगे। दोस्तों IOCL हमारे देश में करंटली लार्जेस्ट स्टेट ओन रिफाइनिंग कंपनी है, जो ऑलमोस्ट हमारे देश में 11 रिफाइनरीज को ऑपरेट कर रही है। हर एक रिफाइनरी पर हाइड्रोजन प्लांट बनकर तैयार होगा, और इस तरह टोटल 2 लाख करोड़ रुपीज इन हाइड्रोजन प्लांट्स के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। बेसिकली अभी हमारे देश में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अगेन एक तरह का फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल है। पर जैसे जैसे अब हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज इसके लिए सामने आती जा रही हैं। इसी के अंतर्गत IOCL ने ये भी प्रोविजन सामने रखी है कि वो उनकी रिफाइनरीज पर रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। इनिशियली पानीपत रिफाइनरी में जो हाइड्रोजन प्लांट है वो बनकर तैयार होगा, उसके बाद उसको रैपिडली एक्सपांड किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर देश में एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक और एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कर्नाटका स्टेट में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। दोस्तों शिमोगा एयरपोर्ट की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जो कि एज ए डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारे देश में बनकर तैयार हुआ है। टोटल 600 एकड़ से ऊपर के एरिया में फैला है, जहां पर 300 पैसेंजर्स को हैंडल करने वाली टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। और सो ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबे समय से इस एयरपोर्ट की डिमांड की जा रही थी, और फाइनली अब जाकर ये कंप्लीट हो पाया है। टोटल 450 करोड़ फीस इसके डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड किए गए हैं, जिसके चलते कर्नाटका के मलनाड रीजन में जो एयर कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बेहतर होती देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट के अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा रीडेवलप्ड बेलगावी रेलवे स्टेशन को भी इनोग्रेट किया गया है, जिसके ऊपर 190 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं। बेलगावी घाट प्रभा रेल सेक्शन की डबलिंग को भी ओपन किया गया है, जिसके ऊपर 930 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं। और लास्ट में 6 मल्टी विलेज वाटर स्कीम्स का भी फाउंडेशन रखा गया है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों रेल सेफ्टी को और बेहतर बनाते हुए हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब वो मॉडर्न ट्रैक टेस्टिंग मशीन्स को प्रक्योर करेंगे, और इनके प्रक्योरमेंट को लेकर बहुत ही टेंडर फ्लोट किया जाना है। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि ट्रैक टेस्टिंग मशीन्स को ट्रैक्स में डिफेक्ट चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। करंटली हमारे देश में जो रेलवे ये काम करती है वो मैनुअल मोड में करती है, जहां पर कई लोग अपने देखे होंगे कि टेस्टिंग का काम कर रहे होते हैं, पर इस बार इस मैनुअल मोड को थोड़ा सा मशीन मोड में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो ट्रैक टेस्टिंग मशीन्स प्रक्योर की जाएंगी उसमें मैनुअल मोड के कंपैरिजन में बहुत ही कम लोगों की जरूरत होगी। और सो कहा ऐसा जा रहा है कि इनिशियली हमारी रेलवे 19 ऐसी मशीन्स या फिर कार्स को प्रक्योर करेगी, जिनके ऊपर 2450 करोड़ रुपीज़ प्रक्योर करने के लिए स्पेंड किए जाएंगे। और सो देखिए आज के समय मैंडेटरी भी है, क्योंकि मैनुअल मोड में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जबकि ये जो मशीन या फिर जो कार्स होंगी इनकी स्पीड 40 किलोमीटर पर तक की होगी, जिसके चलते काफ़ी ईजिली और काफ़ी फास्ट स्पीड से टेस्टिंग का काम कम्प्लीट हो पाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है यूपी के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों यूपी में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यूपी के PWD डिपार्टमेंट के द्वारा रोड सर्वे काम स्टार्ट कर दिया गया है। और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत यूपी के वो सभी स्टेट हाईवेज जहां पर अभी ट्रैफिक देखने को मिलता है या फिर आने वाले समय में वहां पर ट्रैफिक देखने को मिलेगा, उन सबको बड़े स्केल पर अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों इनिशियली ये स्टडी यूपी में 21 स्टेट हाईवेज के ऊपर स्टार्ट की गई है। सर्वे और फिजिबिलिटी में देखा जाएगा कि हाईवेज के ऊपर ट्रैफिक वॉल्यूम, इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स, अलाइनमेंट्स, रोड सेफ्टी एंड फीचर्स, लैंड रिक्वायरमेंट, पेवमेंट, स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सर्वे के अंतर्गत देखी जाएंगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन को आने वाले समय में यूपी में और बेहतर बनाया जा सके। 6 से 8 महीने के अंदर अंदर सर्वे और फिजिबिलिटी का काम कम्प्लीट हो जाएगा, और उसके बाद इसके ऊपर कोई फर्दर डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलेगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू डबल डेकर फ्लाईओवर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों जमशेदपुर में ट्रैफिक नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जमशेदपुर के लिए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक डबल डेकर फ्लाईओवर अप्रूव कर दिया गया है, और इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर टेंडर भी फ्लोट किए गए हैं। दोस्तों ये डबल डेकर फ्लाईओवर पूरी तरह से एक रोड फ्लाईओवर होगा, यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लेन से रोड्स की होंगी। 10.4 किलोमीटर इसकी लेंथ बताई जा रही है। कहा ऐसा जा रहा है कि पारडी काली मंदिर से बालीगुमा के बीच में बनकर तैयार होगा। बेसिकली जमशेदपुर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो कब से चाहती थी इसका काम स्टार्ट किया जाए, और कई बार झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को रिक्वेस्ट की गई है कि इसका काम स्टार्ट किया जाए, और फाइनली अब इसके ऊपर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। टोटल 1425 करोड़ रुपीज़ इसके ऊपर स्पेंड किए जाएंगे, और क्योंकि वो टेंडर फ्लोट भी कर दिए गए हैं तो बहुत जल्द इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है देश में सोलर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश में सोलर प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेजी से प्रोग्रेस करने लगी है, क्योंकि कैलेंडर ईयर 2022 के अंदर अंदर हमारे इंपोर्ट्स भी कम होते देखने को मिले हैं, और एट द सेम टाइम हमारे एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों सोलर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अभी हमारे देश में नेशनल स्टेट में है, यानी कि अभी ग्रो ही हो रही है।
मैरकॉम इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में हमारे देश से सोलर इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट्स 4,640 करोड़ पीस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि 2021 में जस्ट 1100 करोड़ पीस के आसपास थे। तो इसके कंपैरिजन में 321% का एक्सपोर्ट ग्रोथ सीधा देखने को मिला है, जो कि एक साल के अंदर अंदर काफी एक्सेप्शनल है। सिमिलरली हमारे जो सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स के इम्पोर्ट्स हैं वो भी 29,200 करोड़ से कम होकर 21,850 करोड़ पीस हो गए हैं, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ पीस के आसपास का रिडक्शन देखने को मिला है, जो अगेन काफ़ी बेहतर बात है। दोस्तों ये अच्छी इसलिए है क्योंकि आज से 2-3 साल पहले हमारे देश की जो ओवरऑल सोलर प्लस की डिमांड होती थी वो 80% तो चाइना से ही कम्प्लीट होती थी, जो धीरे धीरे काफ़ी कम हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश के दूसरे सेक्टर्स है वहाँ पर भी ऐसा खेल देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश में डेवलप किए जा रहे बग ड्रग पार्क से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इस बग ड्रग पार्क में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स की पहली ट्रांच रिलीज कर दी गई है। और अब इसके लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए बनाया जाना है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो पाएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि आज से कुछ महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश स्टेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक बग ड्रग पार्क के लिए फाउंडेशन रखा गया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बग ड्रग पार्क स्कीम के अंतर्गत बनकर तैयार होना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा, जो कि टोटल 1,405 एकड़ के एरिया में फैला होगा। इस ड्रग पार्क के डेवलपमेंट के ऊपर टोटल 1,923 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे, जिसमें से अब 225 करोड़ रुपीज की पहली ट्रांच रिलीज कर दी गई है। दोस्तों कहा ऐसा जा रहा है कि एक बार जब ड्रग पार्क बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ पर ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड 8,000 से 10,000 करोड़ रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।